मैं आज आपको वो सुनवाता हूँ। उसमें चार चीजें हैं जिन पे हमें घोर आपत्ति है। मैं पहले आपको बताता हूं। एक बहन जी ने कहा, अपर कास्ट समाज के विरोध में काफी नफरत फैलाने वाली बातें भी कर रहे हैं। कौन? इन संगठनों के लोग, यानी बहुजन समाज के संगठनों के लोग, वो अपर कास्ट के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। जिनको, दूसरा, जिनको हमारी पार्टी ने अपने काफी अथक प्रयासों से इन्हें भाईचारे के आधार पर बीएसपी में जोड़ा है। नंबर तीन, बहन जी कहती हैं कि वैसे भी इस किस्म के संगठनों को चलाने वाले लोगों का मकसद कतई भी मिशनरी नहीं होता है। नंबर चार, यदि इनका मकसद वास्तव में सही व ईमानदार होता तो तब फिर ये लोग अपना कोई भी अलग से संगठन आदि नहीं चलाते, बल्कि इसके स्थान पर फिर ये लोग सीधा बीएसपी से ही जुड़कर अपनी इस पार्टी को ही मजबूत बनाते। और आखिरी, बहन जी का कहना है कि इसी किस्म के संगठनों की वजह से, यानी बहुजन समाज के जो संगठन हैं, उन्हीं की वजह से पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के सब्बीरपुर गांव में दिल को दहला देने वाला दलित उत्पीड़न कांड हुआ। मतलब यह है कि सब्बीरपुर का जो कांड है उसमें ठाकुरों का हाथ नहीं था, वो बहुजन समाज के संगठन है, उनकी वजह से वो कांड हुआ। ये चार पांच चीजें जिन पर हमें घोर आपत्ति है। और अब मैं सीधे आपको, ये वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहन जी का हिस्सा है, मैं उसी में से सीधे आपको सुनवाता हूं। कि इन संगठनों के लोग अब आगे होने वाले खासकर लोकसभा आम चुनाव में हमारी विरोधी पार्टियों के हाथों में बिक कर व खेल कर अपने जी आप ब्रीफ कर दीजिए ज्यादा। हाँ नहीं, मैं उसको, मैं सुनवाना चाहता हूँ उसको। नहीं, आप ये सुनवाइए, ये हम सेंड कर दीजिएगा, ये हम ले लेंगे। आप अपनी मुझसे बता दीजिए, आप ब्रीफ कर दीजिए। अब आगे होने वाले खासकर लोकसभा आम चुनाव में हमारी विरोधी पार्टियों के हाथों में बिक कर व खेल कर वह अपने उन्हीं के हिसाब से उम्मीदवार खड़े करके हमारे वोटों को भी बांटने का हर संभव पूरा पूरा प्रयास कर सकते हैं। इसे भी ध्यान में रखना, हमारे भोले भाले लोगों को ऐसे सभी गलत स्वार्थी बिकाऊ व बीएसपी विरोधी संगठनों से हमेशा सावधान रहना है। इसके साथ ही इन्हें ना तो मेरे नाम पर किसी भी प्रकार की भावनाओं में बहकर इनको कोई चंदा देना है, तथा ना ही इन्हें इनके किसी भी प्रोग्राम आदि में शामिल होकर इनके ऐसे गलत कार्यों को करने के लिए इनका हौसला बढ़ाना है, तथा ना ही इन संगठनों द्वारा आगे चुनाव में खड़े किए जाने वाले इनके उम्मीदवारों को भी अपना वोट देकर बिल्कुल भी खराब नहीं करना है। और वैसे भी इस किस्म के संगठनों को चलाने वाले लोगों का मकसद कतई भी मिशनरी नहीं होता है, तथा इनका मकसद केवल यहाँ एक ये, बल्कि हमारी विरोधी पार्टियों के हाथों में खेलकर इन संगठनों के लोग, खासकर हमारे भोले भाले दलित वर्ग के लोगों को अपर कास्ट समाज के खिलाफ भी करने के लिए अपने मंच से अपर कास्ट समाज के विरोध में काफी नफरत फैलाने वाली बातें भी कर रहे हैं, जिससे फिर बीएसपी में तेजी से जुड़ रहे अपर कास्ट समाज के लोग इस पार्टी में आने से रुक जाए, जिनको हमारी पार्टी ने अपने काफी अथक प्रयासों से इन्हें भाईचारे के आधार पर बीएसपी में जोड़ा है, लेकिन इन संत अब आप ब्रीफ कर दें तो ज्यादा जी। सिर्फ एक आखिरी और, मैं लंबा नहीं सुन पाया, मैं आपको सिर्फ आखिरी एक और सुना रहा हूं, वो जरूरी ताकि इस संबंध में वैसे हमारे लोगों को ये भी मालूम है
कि इसी किस्म के संगठनों की वजह से ही पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के सबीरपुर गांव में दिल को दहलाने वाला दलित उत्पीड़न कांड हुआ था। जी, अब मैं आपको सारी चीजें बताता हूं। आप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे और 5-7 मिनट में ये बातें मैं खत्म करूंगा। उसके बाद आप जो भी सवाल पूछेंगे उसका जवाब हम पूरी ईमानदारी से देंगे। ये अपर कास्ट समाज के विरोध में नफरत फैलाने की जो बात कर रहे हैं, क्या बहुजन समाज के लोग नफरत फैला रहे हैं या कुछ और सच्चाई है? अगर हम देखें तो, अगर पार्टी की बात करें तो सबसे पहले नफरत फैलाने वाली अगर आप बात कर रहे हैं तो नफरत फैलाई खुद बीएसपी ने, जिसने कहा कि तिलक तराजू और तलवार इनमें मारो जूते चार। तो नफरत किसने फैलाई? बीएसपी ने। पर मैं इसको भी नहीं मानता, यह भी नफरत नहीं है एक तरह से। इससे आगे मैं चलता हूं जो बताना बहुत जरूरी है। हजारों साल से जाति और धर्म के नाम पर नफरत कौन फैला रहा है? हम में से हर कोई जानता है। गाय और गोमांस के नाम पर नफरत कौन फैला रहा है? 3 साल में 35 मुस्लिमों की हत्या कर दी गई। अब मैं सिलसिलेवार कुछ चीजें आपके सामने रखा हूं जो आपको समझ में आ जाएगी कि असली नफरत कौन फैला रहा है। 1968 में किलवेनन वैली हत्याकांड हुआ तमिलनाडु में, 44 दलित मारे गए, 44 दलित मारे गए। 81 में फूलन देवी की गैंगरेप हुआ, नंगा घुमाया गया और फिर 2001-2 में हत्या कर दी गई। 1985 में करमचेटू हत्याकांड हुआ आंध्र प्रदेश में। 1987 में मेरठ में हाशिमपुरा में 42 मुस्लिम नौजवानों को उठाकर पीएसी पुलिस ने उड़ा दिया। आज तक पता, अभी थोड़े दिन पहले जिसमें सजा हुई है, आपको मालूम है कोर्ट से जिनको सजा हुई है। 1990 में बिहार में रणवीर सेना ने कितने हमले किए। 1990 पनवारी आगरा में कांड हुआ बराज चढ़ने के ऊपर और वहां पे हत्याएं हुई। 1991 में तिसुंदूर हत्याकांड हुआ आंध्र प्रदेश में, 8 दलित मारे गए। 1992 में राजस्थान में कुबेर कांड हुआ और उसमें जो है दलितों के सारे घर जलाए गए, बलात्कार हुआ, हत्याएं हुई। 1992 में ही बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, उसके बाद बंबई में झगड़े हुए, आप सबको मालूम है कितने लोगों की हत्याएं हुई। 1996 में मेलावा लाबू हत्याकांड तमिलनाडु में हुआ, पंचायत चुनाव के ऊपर जनरल सीट थी, रिजर्व सीट का व्यक्ति जीत गया, 6 लोगों की हत्याएं की गई। 1997 में लक्ष्मणपुर बाथे बिहार में हत्याकांड हुआ, रणवीर सेना ने किया, 58 दलित लोग उसमें मारे गए। 1997 में ही रमाबाई हत्याकांड हुआ बंबई में, जिसमें 10 दलित लोग मारे गए। इस तरह से इसके अलावा और जो हुए हैं, 1999 में पंजाब में बंद सिंह केस हुआ, दलित महिला को नंगा घुमाया गया। 2000 में कंबालापल्ली हत्याकांड हुआ कर्नाटक में, 7 दलित मारे गए। 2002 में गुजरात दंगे हुए, आप सबको मालूम है हिंसा का कैसा नंगा नाच हुआ और किसने किया, किस तरह से हुआ, सारा का सारा नरसंहार हुआ मुस्लिमों का। 2003 में मुथंगा घटना हुई जिसमें 5 दलित मारे गए केरल में। 2005 में गोहाना कांड हुआ जिसमें दलित 50 घर फूके गए, मैं खुद उसमें गया था, देख के आया था मैं। 2006 में खैरलांजी हत्याकांड हुआ महाराष्ट्र में, आप जानते हैं महार महिलाओं को नंगा घुमाया गया और उनके बहन भाइयों और पत्नी उनको बेटों को कहा गया कि इन बहनों के साथ इनके साथ शारीरिक संबंध बनाए, मना किया तो उनके जननांग काटे गए और फिर उनकी हत्या की गई। इसके बाद 2011 में मिर्चपुर कांड हुआ हरियाणा में। 2016 में ऊना कांड हुआ गुजरात में। 2016 में ही रोहित वेमुला की हत्या की गई, कन्हैया पर हमला हुआ। 2017 में सबीरपुर उत्तर प्रदेश में 58 घर जलाए गए और उसके बाद में हत्याएं भी हुई। जब माननीय बहन जी बहुत समय के बाद में गई, वापस जो वहां से आ गई, उसके बाद में हमला हुआ, 4-5 लोग मारे गए, 20 लोग घायल हुए। उसके बाद में 2018 में जनवरी में भीमा कोरे गांव की घटना घटी और उसके बाद 2018 में 2 अप्रैल का भारत बंद हुआ, जिसको मैं पिछली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बता चुका हूं किस तरह से सैकड़ों FIR हुई, 20 लोग मारे गए, हजारों लोग जेल में। इसके बाद दादरी में अखलाक को किसने मारा, अलवर में पहलू खान और अकबर खान को किसने मारा, हापुड़ में कासिम को किसने मारा, जुनैद को किसने मारा,
कुलबर्गी की, दाभोलकर की, पंसारे की, गौरी लंगेश की और जज लोया की हत्या किसने की? ये क्या दलित समाज ने फैलाई है? बहुजन समाज के संगठनों ने ये नफरत फैलाई है? कौन इस नफरत को फैला रहा है? आप सारे के सारे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और बहुत लेटेस्ट अभी कुछ ही दिन हुए हैं बुलंदशहर में जो कांड हुआ है स्याना में, जिसमें एक इंस्पेक्टर मारा गया, और वो इंस्पेक्टर बताते हैं कि वो इंस्पेक्टर अखलाक वाला जो केस था उससे जुड़ा हुआ था। ये सारी की सारी चीजें। अब दूसरी बात जो बहुत जरूरी है, बहन जी कहती हैं जिस अपर कास्ट को वो जोड़ रही हैं, बड़े अथक प्रयासों से जिसको जोड़ा है, एक बार जान तो लें कि वो जो समाज है अपर कास्ट वो कैसा समाज है, किसे जोड़ना चाह रही हैं माननीय बहन जी। इनकी संख्या भारत में मात्र 15% है, 80-85% देश की संपत्ति इसी अपर कास्ट समाज के पास है, जिसे बाबा साहब अपनी भाषा में सवर्ण समाज कहते हैं। 90% उद्योग धंधे इनके पास हैं, देश की 65% जमीन इनके पास है, 90% प्राइवेट हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, प्रबंधकीय कॉलेज इनके पास में है। शासन और प्रशासन में 90% टॉप मोस्ट जो पोस्ट हैं, मुख्य पद हैं वो, और बाकी तो और जो हैं 70-80% अन्य पद इनके पास में हैं। 90% मीडिया इनके हाथ में है, 100% सुप्रीम कोर्ट के जज इसी अपर कास्ट के हैं, 90% हाई कोर्ट के जज इसी अपर कास्ट के हैं, 80% से ज़्यादा प्रोफेसर्स यूनिवर्सिटियों में, असिस्टेंट प्रोफेसर्स स्कूलों में, टीचर्स यही लोग हैं, 50.5% आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्ती अपने दम पर इसी 15% अपर कास्ट समाज के लिए पक्का कर रखा है हमेशा के लिए। और सबसे ज्यादा सत्ता इनके हाथ में है, 60-70% एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इनके हैं। इन्हीं समाज को जोड़ना चाहती हैं माननीय बहन जी, यही मिशन है। और अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, माननीय बहन जी से पूछना चाहता हूं और इस बहुजन समाज से भी पूछना चाहता हूं, सिर्फ इतना बता दें कि दलितों, पिछड़ों और मुस्लिमों इनके अधिकार को कौन छीन रहा है? दलितों, पिछड़ों का आरक्षण कौन खा रहा है? निजीकरण के नाम पर दलितों, पिछड़ों का आरक्षण कौन खत्म कर रहा है? आदिवासियों की जल, जमीन और जंगल कौन हड़प रहा है? देश का पैसा लूटकर विदेशों में कौन जा रहा है? पिछले 3 सालों में 17,000 से ज्यादा करोड़पति और अरबपति इस देश को छोड़कर विदेशों में बस चुके हैं, कौन है वो? दलितों, पिछड़ों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज कौन नहीं बनने दे रहा? दलित महिलाओं को नंगा कौन घुमा रहा है? दलितों की बारात कौन नहीं चढ़ने दे रहा? दलित बेटी को, यह बहुत जरूरी है, दलित बेटी को प्रधानमंत्री कौन नहीं बनने दे रहा? मैं ये जानना चाहता हूं, क्या यही मिशन है? क्या इसी मिशन के लिए सारे काम हो रहे हैं? और क्या यही माननीय साहब काशीराम जी का मिशन है? मैं जानता हूं आप भी मेरी बात से सहमत होंगे, ना तो ये बहुजन मिशन है और ना ये माननीय साहब काशीराम जी का, हमारे महापुरुषों का मिशन है। अब मिशन क्या है? बहन जी ने कहा कि ये जो संगठन है इनका मिशन से कोई लेना देना नहीं है। तो मिशन क्या है? बहुजन मिशन है, बहुत सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं कि फूले, शाहू, अंबेडकर और माननीय साहब काशीराम जी का मिशन यही बहुजन मिशन है। और क्या है? अगर हम राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी को देखें तो शिक्षा उन्होंने ग्रहण की, अपनी पत्नी को शिक्षा दी और फिर उम्र भर दोनों इस बहुजन समाज के लिए, दलित, पिछड़े, अछूत समाज के लिए काम करते रहे शिक्षा के क्षेत्र में, विशेषकर महिलाओं के लिए। शाहू जी महाराज जी का मिशन क्या है? शिक्षा, रोजगार और आरक्षण। वो पहले महापुरुष, पहले ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने अछूतों को, दलितों को आरक्षण दिया। किसमें आरक्षण? नौकरी में आरक्षण, शिक्षा में उनके लिए हॉस्टल खोले, इस तरह से उन्होंने किया। और पूज्य बाबा साहब, बोधिसत्व बाबा साहब जी का मिशन क्या है? अगर एक शब्द में कहूं तो संविधान, भारतीय संविधान, वही मिशन है। और इससे आगे अगर कहूं तो शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, यही मिशन है ना बाबा साहब का। दूसरा अगर वो बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। और क्या कहते हैं वो? राजनीतिक शक्ति हर ताले की चाबी है। और क्या कहते हैं? धर्म परिवर्तन। सबको चाहते थे कि बौद्ध धर्म में आप परिवर्तित हो जाओ, उन्हें मालूम था कि क्या होना है और कैसे हो सकता है।
और इसीलिए वो बौद्ध में भारत चाहते थे। 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब की इसी ओर इशारा करते हैं। इसके अलावा माननीय साहब काशीराम जी का मिशन क्या है? एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट। पढ़ो, शिक्षित बनो, इकट्ठा करो और संघर्ष करो, जो बाबा साहब का नारा है। आगे उन्होंने कहा सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति। इसके अलावा उन्होंने कहा क्या कहा, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो मैं इस विषय में आपको पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता चुका हूं कि किस तरह से उन्होंने ब्राह्मण जाति को अधिक से अधिक सुविधाएं दी, टिकट दिए, सारी चीजें बता चुका हूं। और क्या कहते हैं बाबा साहब, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। और साहब क्या कहते हैं कि मुझे बहुजन समाज को हुक्मरान बनाना है, क्योंकि जो समाज हुक्मरान होता है वो समाज, उस समाज पर कभी भी अन्याय और अत्याचार नहीं होता। और इसके आगे क्या कहते हैं कि मैं बाबा साहब के बच्चों के बिना इस देश का शासन नहीं चलने दूंगा। और अंत में वो चाहते थे कि ये देश बौद्ध में बन जाए। क्या हुआ साथियों, ये मिशन पूरा हुआ? यही तो मिशन था। और बहुजन समाज के विभिन्न संगठन लगातार इस मिशन को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। क्या वो सारे संगठन बेईमान है क्या? क्या वो सारे संगठन ईमानदारी से काम नहीं कर रहे क्या? बहुजन समाज की भलाई के लिए काम नहीं कर रहे क्या? आप सभी संगठनों को एक ही उसमें तोल देंगे। शिक्षा, रोजगार यानी आरक्षण, चिकित्सा, सुरक्षा, सत्ता और बौद्ध में भारत, अगर छोटे शब्दों में कहूं तो यही मिशन है। 6743 जो जातियां बिखरी हुई हैं शूद्र समाज में, उनको इकट्ठा करना, यही मिशन है। और ये मिशन क्या है, किनके लिए है, उनकी हालत भी एक बार मैं देख लें, ये एक मिनट में खत्म हो जाएगा। और फिर आपसे सवाल, कौन है वो ये लोग जिनके लिए बहुजन मिशन है? 80% SC ST समाज पे ना तो शिक्षा है, न रोजगार है और ना ही उनके पास जमीन है। बाल मजदूर कौन है? यही समाज। खेतीहर मजदूर कौन है? यही समाज। देश की 70% आबादी गांव में रहती है और गांव में रहने वाली आबादी के 40% SC ST समाज के लोग एक कमरे के कच्चे मकान में रहते हैं, इनके लिए काम करना मिशन है। 3 लाख लोग हर साल भूख से मर जाते हैं, 10 लाख बच्चे हर साल कुपोषण से मर जाते हैं। कौन है ये लोग? इनमें कोई अमीर सवर्ण समाज का या आपको जिसे अपर कास्ट कहती हैं उसका कोई नजर आता है आपको? हर 8 मिनट में दलित समाज की एक बहन बेटी के साथ बलात्कार होता है, उसकी हत्या होती है। 40 करोड़ लोग हर रोज भूखे पेट सोते हैं। कौन है ये 40 करोड़ लोग? ये निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ये सारे के सारे अपर कास्ट के तो नहीं है। इसके अलावा अब तक मात्र 10 से 12% आरक्षण ही पूरा और आरक्षण ही दिया गया है। 90% मानव अधिकार उल्लंघन के मामले इसी समाज के प्रति होते हैं, दलित, शोषित, पीड़ित, बहुजन समाज। और 68 सालों में क्या मिला है इसे भी देख लें, बहुत जरूरी है। इन 68 सालों में सुप्रीम कोर्ट में 31 जज हैं। उन 31 जजों में 68 सालों में मात्र 3 जज शेड्यूल कास्ट के बने हैं, शेड्यूल कास्ट के, और मात्र 2 जज OBC के हुए हैं। बाकी सारे के सारे अब तक सवर्ण के हैं या उसी अपर कास्ट के हैं। और मैं पहले भी कह चुका हूं आज की तारीख में 100% जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो उसी अपर कास्ट के और सवर्ण समाज के हैं। इसके अलावा हाईकोर्ट, 24 हाईकोर्ट हैं, 24 हाईकोर्टों में 1095 टोटल हाईकोर्ट के जज हैं, जिनमें लगभग 650 जज आज की तारीख में हैं। बाकी 450 के लगभग सीटें खाली पड़ी हैं, लेकिन इन सब में मात्र 22 शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के और 20 OBC के हैं। बाकी सब सारे के सारे उसी अपर कास्ट के और सवर्ण समाज के हैं। इसके अलावा जो टॉप की 1000 IAS ऑफिसर की पोस्ट हैं, जिनमें डायरेक्टर, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी आते हैं, इन 4 टॉप की पोस्ट जो सारी योजनाएं बनाते हैं उनमें आपके मात्र 3% लोग हैं, OBC का एक भी नहीं है उनमें, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के केवल 3% है। इसके अलावा जो 50 सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटियां हैं उनमें आधे पद खाली पड़े हैं, और जो हैं
उनमें भी एक भी प्रोफेसर शेड्यूल कास्ट नहीं है, बैकवर्ड का नहीं है। इसके अलावा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी केंद्र में यही बैठे ना, 83 कॉलेज एफिलिएटेड हैं, लेकिन मात्र एक कॉलेज में प्रिंसिपल शेड्यूल कास्ट है, एक भी शेड्यूल ट्राइब्स नहीं है, एक भी ओबीसी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि 25% प्राइवेट स्कूल कॉलेजों में स्कूलों में जो सीटें हैं वीकर सेक्शन के लिए दी जाएंगी उनसे भरी जाएंगी, आज तक कहीं भी किसी भी उसमें भरी नहीं गई हैं। और आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश उन्होंने रद्दी की टोकरी में डाल रखा है। ये सारी की सारी चीजें हैं। और अपने संगठन में बीएसपी से जुड़कर अपने संगठन नहीं बनाए, बीएसपी में जुड़ जाए। तो मैंने पहले भी कहा था, फिर कहता हूं, जिस तरह से और पार्टियां सब समाजों को जोड़ के इकट्ठा होके गठबंधन बना के ताकत बनाने के काम कर रही हैं, क्या माननीय बहन जी ने एक बार भी समाज के विभिन्न संगठनों को, लोगों को बुला के कहा आइए मिलकर बैठिए, साथ में बैठ के काम करते हैं और समाज को ताकतवर बनाते हैं? कहा? एक बार भी नहीं कहा। यहां तक कि उनसे मिलना भी असंभव सा ही है, वो किसी से नहीं मिलती और पब्लिक उनसे मिल नहीं सकती। भाई नेता अगर किसी से मिल नहीं सकता और पब्लिक नेता से नहीं मिल सकती तो इसको हम क्या कहेंगे? इसका फैसला आप ही करें। और साथियों, सबसे आखिर में मुझे जिस बात पे घोर आपत्ति है कि पिछले साल 5 मई 2017 को जो सहारनपुर के सब्बीरपुर गांव में दलितों के 58 घर जलाए गए, माननीय बहन जी का कहना है कि ये सारे के सारे जो घर जलाए गए हैं, ये घटना बहुजन समाज के इन्हीं संगठनों की वजह से हुई है। तो यह माना जाए कि फूलन देवी की हत्या करने वाला राणा जो था, जो वहां पे एक प्रोग्राम में मुख्य अतिथि था, वहां से 10 किलोमीटर दूर सब्बीरपुर गांव से, और उसके बाद जिस तरह से पुलिस ने और उन सब ने मिलकर पूरे प्री प्लान्ड होके सब्बीरपुर गांव पे हमला किया, 58 घर जला दिए गए, तो वो सारी की सारी प्लानिंग, वो सारी घटना क्या बहुजन समाज की वजह से हुई थी? आप सब जानते हैं कि किसने की है, लेकिन हमारा नेता अगर इस तरह की बात कहेगा तो साथियों, इसे क्या बहुजन नेता माना जाए या बहुजन हित में माना जाए? जो भी बात है, बहुत सोच समझ के कहनी चाहिए, लेकिन माननीय बहन जी ने यह बात कही। मैं नहीं कह रहा, मैंने आपको सुनाई, और 13 मिनट 6 सेकंड की उनकी पूरी वो है, वो आप देख सकते हैं, उससे आपको सारी बातें पता लग जाएंगी। और अब साथियों, बस मुझे इतना ही कहना था, इन सारी चीजों पर हमें घोर आपत्ति है, हमारा घोर विरोध है। अगर बहन जी नेता हैं तो बहन जी को उसी हिसाब से काम भी करना चाहिए, बातें कहनी चाहिए। जिन लोगों से समाज पीड़ित था, है, उनसे अलग हटके बहुजन मिशन साहब ने बनाया, उसे लेके चले, लेकिन आज मैं कह सकता हूं माननीय बहन जी को बहुजन मिशन याद नहीं है, उससे पूरी तरह से भटक चुकी हैं। इसलिए हमारी घोर आपत्ति है कि बहुजन मिशन को याद रखा जाए और इसी पे काम किया जाए और बेवजह किसी पर आरोप न लगाया जाए। अब साहब, जिस तरीके से आपने ये पीसी की है और जो बहन जी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसकी आपत्ति किसी ने नहीं उठाई, ये राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी ने क्यों उठाई है? देखिए, अगर किसी ने नहीं उठाई तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो वो बात कह रही है सही है। सभी को उठानी चाहिए थी, क्योंकि ये केवल एक व्यक्ति विशेष के लिए, एक पार्टी या संगठन के लिए नहीं, उन्होंने सभी संगठनों के लिए कहा है, तो सभी को यह बात उठानी चाहिए थी। ध्यान रखना साथियों, अगर समाज में गलत हो रहा है, चाहे वो हमारा भाई ही कर रहा हो, और हम उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, तो एक दिन हमारी दुर्गति होनी निश्चित है, उसे कोई रोक नहीं सकता। हम जो बात कह रहे हैं, हमने उठाई, किसने उठाई, यह शायद महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि जो हम बात कह रहे हैं, क्या वो बात सही है या नहीं है। जो बातें हैं आप उसमें देख सकते हो, और हमने आपको सुनाई भी है। तो बहन जी को इन सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इसलिए मैं जो कह रहा हूं आपसे, इन सारी चीजों को गंभीरता से लें। हमने जो बात उठाई है, हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है समाज को जगाना, समाज को जागृत करना। बाकी समाज के ऊपर है, वो जागता है जागे, अगर सोना ही उसने सोच रखा है, और नेता के ऊपर
सारा पूरी तरह से विश्वास करके गड्ढे में गिरना ही समाज ने सोच रखा है, तो ये समाज का अपना निर्णय हो सकता है। 2019 का चुनाव नजदीक है, 2019 के चुनाव में इस तरीके की पीसी करना ये कहां तक ठीक है? नहीं, और कब करनी चाहिए पीसी भाई? 2019 का जो चुनाव है और हम राजनीतिक पार्टी भी है, तो इसमें पीसी करने में क्या दिक्कत है? ये पीसी निश्चित रूप से, क्या माननीय बहन जी लगातार पीसी नहीं कर रही हैं? क्या और पार्टियां पीसी नहीं कर रही हैं? सर, आपने पूरी 2018 तक की सारी कमियां बता दी बीएसपी की, कि ये हुआ वो हुआ। क्या उस दौर में बीएसपी मौजूद थी सरकार में? किस समय? जब आप 2018 तक की पूरी कमियां बता रहे हैं। मैंने तो बहुत पीछे से बताई हैं, आपने सुनी नहीं ढंग से। मैंने तो बहुत नहीं, अंत की बात क्यों कर रहे हैं आप? अंत की बात कैसे कर सकते हैं? हम तो शुरू से सर, पहले मैं जवाब देने, वन बाय वन पूछिए, पहले मुझे जवाब देने। जो पीछे से है उसे कैसे छोड़ सकते हैं? उसे कैसे छोड़ दें आप मुझे बताइए? जो हजारों साल का इतिहास है वो हमारे साथ चला रहा ना, वो लगातार आ रहा है, लगातार आ रहा है। वो कहीं उन सबकी जिम्मेदार सिर्फ बीएसपी पार्टी? मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा कि उन सब की जिम्मेदार बीएसपी है। एलिगेशन तो सब आप उसी की इत्रिशार नहीं, मैं इसलिए नहीं, मैं एलिगेशन ये लगा रहा हूं, और एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि माननीय बहन जी उनको साथ में जोड़ने की बात कर रही हैं, जिन्होंने इस देश में हजारों साल से नफरत फैलाई है। मैं उनकी बात कर रहा हूं, उनको जोड़ने की, जबकि बहुजन मिशन ये था कि जो 6,743 जातियों में बटा हुआ बहुजन समाज है उसको जोड़ा जाए, उसको इकट्ठा किया जाए, उसकी शिक्षा पर काम किया जाए, उसके रोजगार पर काम किया जाए, उसकी सुरक्षा पर काम किया जाए, उसकी चिकित्सा पर काम किया जाए। ये जो आरक्षण उन्होंने जबरदस्ती छीन रखा है, इसको प्रॉपर तरीके से समाज को दिया जाए, जिससे समाज की उन्नति हो सके, तरक्की हो सके, उस पर काम किया जाए। ये बात मेरा कहने का मतलब है। मैंने ये नहीं कहा कि मैं उस पर आरोप लगा रहा हूं, मैं आरोप नहीं लगा रहा, आप समझे नहीं। सर, योगी जी बोल रहे हैं कि जो वेद के रचयिता हैं वो दलित के पूर्वज थे, क्या वर्ड? देखिए, योगी जी ने तो ये भी कहा कि हनुमान दलित हैं, ये भी कहा ना उन्होंने। कल वो और कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन किसी तथाकथित ईश्वर के दलित होने से हमें न्याय मिल जाएगा? मैं एक सवाल सिर्फ आपसे, हजारों साल से ये सारे के सारे 33 करोड़ देवता और ये सारे भगवान थे, इनमें से कोई नहीं आया हमारी तरक्की के लिए? सारे के सारे चुप बैठे रहे, सारे तो हथियारधारी हैं, एक एक के पास 8-8, 10-10 हथियार हैं। अबे कोई चलाता, एक तो चलाता, कहीं कुछ नहीं हुआ, किसी ने हमारी तरक्की बात नहीं करी। आपकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस टोटली क्वेश्चन मार्क पर घिरी रही है। आपने सारे सवाल खड़े किए लेकिन क्वेश्चन मार्क लगाते रहे, कोई नाम खुलकर नहीं लिया किसका। तो क्या माना जाए कि ये जो पीसी थी आपकी केवल मायावती की नीतियों के खिलाफ थी? नहीं, नीतियां निश्चित, आपने सबका जिक्र किया लेकिन उसमें क्वेश्चन मार्क, कहीं नाम नहीं लिया कि किन्होंने दलित उत्पीड़न को बढ़ा। नहीं, मैंने कहा, आपने सुना नहीं, मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि ये जो दलित उत्पीड़न है ये वही अपर कास्ट समाज कर रहा है, ये वही सवर्ण समाज कर रहा है। कौन? हिंदू संगठन के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं। नहीं, इस बात का नाम ले रहे हैं, दूसरी पार्टी का नाम क्यों नहीं? नहीं, मैं किसका? आपने बसपा का 50 बार नाम लिया लेकिन अन्य संगठनों का नाम एक बार भी नहीं लिया। मैं तेंदुर भाई की बात से सहमत, पार्टी मुखिया का भी नाम लिया आपने और पार्टी का भी नाम लिया है, लेकिन जितनी पार्टी मुखिया का नाम, जितनी घटनाएं आपने गिनाई है उनमें सारी घटनाएं वो थी जो लगभग 2010 या 2010 के पहले से हैं। जी, मतलब उसके बावजूद अब आप इन सारे मुद्दों को ला रहे हैं जब 2019 लोकसभा चुनाव का माहौल है और ऐसे में आपकी पार्टी लगभग चुनाव की तैयारी में है, तो क्या आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि आपकी जो पार्टी है वो 2019 लोकसभा चुनाव में आएगी? नहीं, इसमें एक्सेप्ट करने वाली क्या बात है कि 2019 के चुनाव नहीं, आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल बात है, बात नहीं है, मैं सिंपल नहीं, तो इसको क्या माना जाए कि माननीय बहन जी ने ऐसे समय में जब 2019 के चुनाव आ रहे हैं सभी बहुजन समाज के संगठनों को आरोपित कर दिया उनको, इसे क्या मानेंगे आप? आप निस्तारण की बात क्यों नहीं? किस निस्तारण की बात मैं कर रहा हूं? मैं इसी तरह की बात कर रहा हूं कि नीतियां पार्टी की वो होनी चाहिए कि जिससे बहुजन समाज का भला हो सके, लेकिन आप बहुजन समाज के भले की बात नहीं कर रहे, आप उस समाज को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसने हजारों साल से हम सब पर अन्याय और अत्याचार किया है, आप उसकी बात कर रहे हैं इकट्ठा करने की। और जब तो पार्टी का नाम संघर्ष पार्टी का कहीं बहुजन नाम इसमें आता ही नहीं। किसका? आपकी पार्टी का नाम। तो मुझे आप ये ये भी मुखौटा सा नजर आ रहा है, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष, मतलब राष्ट्र के जन ये करती हुई, इसके अंदर तो सारे लोग हैं। ये आपकी समझ हो सकती है
कि इसमें बहुजन नाम नहीं आ रहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बाबा साहब ने तीन संगठन रखे बनाए, तीन संगठन मुख्य रूप से पार्टी बनाई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, उसमें कहां शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स या बहुजन का नाम है बताना जरा आप। दूसरा उन्होंने सामाजिक संगठन बनाया समता सैनिक दल, उसमें कहां शेड्यूल कास्ट का बहुजन का नाम है बताओ जरा। तीसरा उन्होंने बनाया धर्म के क्षेत्र में भारतीय बौद्ध महासभा, इसमें कहां दलितों का शेड्यूल कास्ट का बहुजन का नाम है बताना जरा। ये जो आरोप है, ये जो हमारी सोच हो गई है संकुचित कि नाम हमें वो रखने की तख्ती लटका के रखो, नहीं हम जो एक बात बताइए, इतनी एट्रोसिटीज हुई काफी मामला सहारनपुर का, अब मैं सहारनपुर को ही ले लेता हूँ, ज्यादा दूर नहीं। आप मुझे ये बताइए, आपने सहारनपुर की घटना का जिक्र किया, 2 अप्रैल की घटना का जिक्र किया, आपने कितने लड़कों की बेल कराई, आप ये जरा मुझे बताइए जो जेल गए हैं लड़के। देखिए नीतियों की बात हो रही है, आप पार्टी ने कितने लोगों को नहीं, आप जाके सहारनपुर में जाके पूछिए, आप मुझे जवाब देने देंगे या नहीं? आप जो कह रहे हैं आपके सवाल सुन लिए, जवाब तो देने दो, मुझे बता देना। नहीं मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं आपको बता रहा हूँ ना आपको, आप सहारनपुर में जाके पूछिए, 5 तारीख को घटना हुई, हम 7 को वहां पहुंचे, सारे लोग वहां के सहारनपुर के जानते हैं, सारे साथियों से मिलके हमने उनके लिए जो भी हम कर सकते थे वो हमने कार्रवाई उनके लिए की। जहां तक आप 2 अप्रैल की बात कर रहे हैं, 2 अप्रैल को हमने लगातार सब साथियों से कहा, सब साथियों के, चाहे यहां मेरठ के हों, चाहे साथी यहां के हों गाजियाबाद के हों ग्वालियर के हों, सारे साथियों के संपर्क में रह के जो भी हम लीगली, जो उन्होंने हमसे सपोर्ट मांगी वो लीगल हमने सहायता उनकी और सपोर्ट हमने उनको दी। नाम मैंने बता दिया, एक दो नाम नहीं है ना, कितने ही लोग हैं, एक तो नाम नहीं है ना। सारी पार्टियों ने, विपक्ष की पार्टियों ने मायावती को अपना नेता मान लिया है, क्या राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी मायावती को नेता मान के राजी नहीं है? देखिए पीपल साहब, जहां तक मैं समझ रहा हूं और रोज मैं न्यूज देख रहा हूं, अभी तक किसी भी विपक्ष ने मायावती जी को अपना नेता नहीं माना। सर एक मंच से कांग्रेस की जो लीडर है, नहीं नहीं हाथ उठाकर कहा कि मायावती को अपना नेता मानते हैं, नहीं कभी नहीं कहा। आप मुझे दिखाइए, मायावती जी को साथ लेने के लिए सब लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष ने यह नहीं कहा कि मायावती जी हमारे नेता हैं। और अगर मायावती जी विपक्ष की नेता बनती हैं, विपक्ष उन्हें नेता मानता है, तो बहुत अच्छी बात है, इससे बढ़िया कौन सी बात है। हम भी तो यही चाह रहे हैं कि मायावती जी विपक्ष की नेता बने, मायावती जी ताकतवर होके इस देश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करें, क्योंकि देश की सबसे बड़ी दुश्मन तो भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में, उसका सफाया करें। लेकिन जो पीछे के परिणाम हैं, जो सारी चीजें हैं, वो ऐसा तो नहीं बता रही है अभी। पकी साहब, जिस तरीके से आपने मायावती, जिस तरीके मायावती को टारगेट रखा, बसपा को टारगेट रखा, इसके अंदर केंद्र के अंदर रामदास पासवान जी हैं, उदित राज जी हैं, अन्य ऐसे जो नेता हैं, उनका कभी भी आपने जिक्र नहीं करा। नहीं, उनका जो एट्रोसिटी मामले में, देखिए जो लोग समाज की पीठ में छुरा भोग कर समाज के, देश के जो दुश्मन हैं उनके साथ में बैठ गए, उनका जिक्र करने की क्या जरूरत है? उन्हें समाज ने नकार दिया, हमने नकार दिया, सबने नकार दिया, उनके विषय में क्या करना? आप मुझे बताना चाहते हो कि मैं जानता नहीं उनके विषय में? एक बात मानते हैं आप कि अगर बहुजन समाज पार्टी अलायंस कर लेती है कांग्रेस से, तो जितनी बहुजन पार्टियां हैं बहुजन समाज पार्टी के अलावा, उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, आप मानते हैं इस बात से? मैं नहीं मानता, आपकी बात से मैं सहमत नहीं, चाहे वो किसी से भी समझौता कर लें, लेकिन कोई भी पार्टी अगर खत्म होगी तो अपने कर्मों से खत्म होगी, उनके किसी पार्टी में जाने से या समझौता करने से कोई पार्टी खत्म नहीं होगी, वो सब कुछ नहीं है, उनके उससे पार्टियां खत्म नहीं होती। सर जिस तरीके समझौते की बात आती है, क्या राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी भी किसी समझौता करेगी? निश्चित रूप से, देखिए हमने बार बार कहा है, आज भी आपके सामने कह रहे हैं कि जो भी पार्टियां इस आने वाले 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इसको सत्ता से बाहर निकालने के लिए काम करेंगी, गठबंधन करेंगे, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम भी उस गठबंधन में शामिल हों और उस गठबंधन का साथ देकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करें। जिस तरीके से अभी जो चुनाव हुआ उनका रिजल्ट आया है, वहां ये भारतीय जनता पार्टी ने वो हारी है, भारतीय जनता पार्टी हारी है? नहीं, निश्चित रूप से हारी है, लेकिन वो इतनी तरह बुरी तरह से नहीं हारी जितनी बुरी तरह से हार सकती थी जी। अगर मैं आपको इसको कहूं, माना कांग्रेस के साथ में मध्य प्रदेश में और राजस्थान में अगर
बीएसपी का समझौता हो जाता तो जो 4% 10% 6% जो वोट मिली हैं वो उसमें इंक्लूड होकर भारतीय जनता पार्टी की हार कितनी बुरी होती है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। जो जीता वही सिकंदर, लेकिन आप बीजेपी के भी परसेंटेज गिना रहे, क्या कर रहे? किसका है? बीजेपी के परसेंटेज में मैंने नहीं कहा गिनाई, इतनी बुरी तरह से नहीं हारी, नहीं निश्चित रूप से नहीं हारी। जो जीता वही सिकंदर साहब, चाहे एक वोट राम साहब की एक बात, मैं उसकी बात कांशीराम साहब की बात समझ में सर, मैं कांशीराम साहब ने बोला था कि एक नागनाथ है एक सांपनाथ है, तो कोई जरूरी नहीं था इनसे समझौता करना। तो अगर नागनाथ है और सांपनाथ है तो पहले जो सरकार बनाई इन्हीं नागनाथ और सांपनाथों के साथ मिलकर बेंजी ने बनाई सरकार, बीएसपी ने, उत्तर प्रदेश भूल तो नहीं गए होंगे आप, इनके साथ मिलकर सरकार बनाई ना, तो भाई ये नागनाथ सांपनाथ तो अभी से नहीं है। मुझे ध्यान है नागनाथ सांपनाथ कहने का काम जो शुरू किया माननीय साहब कांशीराम जी ने और 1991 में हम सुनते थे रामविलास पासवान जी ने बड़ा कस के यही काम किया, हर मंच पे यही बात कहते थे, पर समझौता तो उन्हीं के साथ में किया नागनाथ और सांपनाथ के साथ में, इसे क्या माना? मतलब ये है कि वो जो भी कुछ करे सही और बाकी और कोई कुछ भी कह दे वो गलत। देखिए आप गलत कह रहे हैं, यूट्यूब पे मेरी कितनी ही वीडियो पड़ी है, मैं बहुत कस के बीजेपी और 56 इंची चौकीदार के विरोध में हूं और मेरी वीडियो आप देख लें, हद है, मैं बीएसपी के विरोध में नहीं था, लेकिन क्योंकि बीएसपी की मुखिया माननीय बहन जी ने ये सब पे आरोप लगाया, मैं इस बात के विरोध में आवाज उठाना मेरा काम। संघर्ष पार्टी किन उद्देश्यों को लेकर इलेक्शन लड़ेगी वो बताइए। राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी बहुत सीधा सा है, जो बहुजन समाज के मुद्दे हैं उनको लेकर ही चुनाव 2019 का या आने वाला चुनाव लड़ेगी। हमारा बाकायदा मैनिफेस्टो है, जब हम मैनिफेस्टो अपना जारी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आप सारे साथियों को बुलाएंगे, आप आइए उसको देखिए। मायावती और कांग्रेस गठबंधन करते हैं, एक मिनट मायावती और कांग्रेस गठबंधन करते हैं तो अगर तो उसमें फिर आप अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं आप? मैंने कब मना किया? नहीं, मैं मायावती के साथ की बात नहीं कर रहा, मायावती के साथ की बात नहीं कर रहा, मैं बहन जी के साथ की बात नहीं कर रहा, मैं जो बात कह रहा हूं आप उसको समझें। बहुत सीधा सा है, जो भी पार्टी जो भी गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए कोशिश करेगा इकट्ठा होगा, हम उसके साथ शामिल होने का प्रयास करेंगे। आखिरी में एडवोकेट साहब आखिरी सवाल है, इस शोषित पीड़ित वंचित समाज के लिए राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी क्या करना चाहती है उसका खुलासा कर दीजिए। इसका खुलासा बहुत सीधा सीधा है, जो बहुजन मिशन है हम पूरी तरह से उसको अमल में लाना चाहते हैं, हमें जब भी मौका मिलेगा तो हमारा काम पहला रहेगा शिक्षा के क्षेत्र में समाज को बेहतर से बेहतर शिक्षा देना और दूर दराज के जो गांव में बैठा एक व्यक्ति है उस तक भी शिक्षा पहुंचाना और अच्छी शिक्षा पहुंचाना, और शिक्षा वही होगी जो राजधानी में होगी वही उस दूर दराज के गांव में होगी। दूसरा जो अभी आप एक बात सुन तो लीजिए, दूसरा रोजगार, क्योंकि समाज को रोजगार की बहुत जरूरत है, इसके लिए पूरी तरह से काम करना, क्योंकि सरकार को समाज को रोजगार मिलेगा तभी आगे बढ़ेगा। ये जो आरक्षण है इसको ईमानदारी से लागू करना, और जब तक समाज उठ नहीं जाता उस स्तर तक जहां तक हमारे महापुरुष चाहते थे तब तक लगातार ये आरक्षण जारी रहेगा। तीसरा पुलिस व्यवस्था, इस देश में पुलिस व्यवस्था सबसे खतरनाक व्यवस्था है, और मैं मानता हूं कि इस पुलिस सिस्टम को अगर सुधार दिया तो इस देश की लगभग 70% समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इस पुलिस व्यवस्था को ठीक करना है हमें, अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए जो भी बेहतर काम हो सकता है हम वो सारे के सारे काम करेंगे, और महिलाओं की तरक्की के लिए हम ईमानदारी से काम करेंगे। ये नहीं कि कह तो दिया 33% आरक्षण लेकिन अभी तक वो बिल पास नहीं हुआ। इसके अलावा जो बहुजन मिशन है उसको पूरी ईमानदारी से लागू करने के लिए काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सारे आए, आपने हमारा साथ दिया।